पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर, मरीज हॉस्पिटल में खार। सर्विसेज हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ मॉल रोड पर सरापा एहतजाज। पुलिस और एहतजाजी मुजाहरीन के दरमियान मुजाकरात नाकाम हो गए। मुजाहरीन ने रोड खोलने और एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया है। मुजाकरात किए गए पुलिस की जानिब से भी, इंतजामिया की जानिब से भी, लेकिन अभी तक एहतजाज जारी है। धरना दिए बैठे हैं और यही कहना है वहाँ पर जितने भी वर्कर्स मौजूद हैं पैरामेडिकल स्टाफ के, कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते वो तब तक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। ट्रैफिक की रवानी को मुअत्तल किए हुए हैं और पैरामेडिकल स्टाफ चूँकि सड़कों पे है, इसी वजह से मरीज हॉस्पिटल में बुरी तरह से खार हो रहे हैं, जबकि सर्विसेज हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ मॉल रोड पर सबसे मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पहले सिर्फ एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन रहते वक्त के साथ ये धरने में तब्दील हो चुका है। इस बारे में तफसीलात बिलाल चौधरी से मजीद जानेंगे। बिलाल चौधरी, ये बताइएगा, पहले एहतजाज, फिर धरना और अब ट्रैफिक की रवानी मुतासर, किसी किस्म के मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई नहीं देते? जी बिल्कुल, पैरामेडिकल स्टाफ आज तमाम पंजाब के अस्पतालों की आज पंजाब असेंबली के सामने चेयर चेयरिंग क्रॉस पे इकट्ठी हुई थी अपने मुतालबात के हसूल के लिए। इससे पहले इनके पुलिस से भी मुलाकात हुए जो कि नाकाम हो गए। अब महकमा सेहत के साथ इनकी चेयर बड़ी टीम जो है मुजाकरात के लिए गई हुई है और इनके मुजाकरात का हाल जारी है, लेकिन अभी हतमी जो शक्ल है मुजाकरात की वो अभी क्लियर नहीं हुई। इनके मुजाकरात का हाल जारी है, लेकिन यहाँ पे जो पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के जो लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम जब तक हमारे मुजाकरात की कोई हतमी शक्ल नहीं निकलती हम यहीं तक रहते हैं। कम अज कम हमें जो है हमारे मुतालबात मानने जाते हैं या नहीं माने जाते हमें क्लियर किए गए और हमारे मुतालबात माने गए तो फिर हम ये एहतजाज जो है मोखर जाते हैं। हमारा एहतजाज का जो सिलसिला ये रात के तक जारी रहेगा और कल भी हम जो है यहीं पर।